फ्रेंड्स, वेलकम टू वेयर टू एज। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू आर कंटिन्यूअसली गिविंग फॉर आवर चैनल। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं डॉग ब्रीड्स के साथ। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि आप लोग इन ब्रीड्स को अपनी अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर कवर कीजिएगा। तो आज हम उन्हीं ब्रीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज नन अदर देन पोमरेनियन एंड लासा आप्सो। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि एंड में हम आपको बताएंगे कि कैसे लासा आप्सो और शिट्ज़ू आपस में डिफरेंट हैं, जो कि देखने में काफी सिमिलर लगते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं एक ऐसी ब्रीड की जिसका फेस फॉक्स जैसा है, जिसके ईयर्स ट्रायंगुलर हैं और जिसकी आईज आलमंड शेप की हैं। अगर आपके दिमाग में ये सब सुन के ये इमेज आई, देन यू गेस्ड इट करेक्ट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पोमरेनियन। So Pomeranian breeds are very playful in nature and also attention seeking. I'm also a pet parent of a Pomeranian breed. तो मेरे घर में जो Pomeranian है, अगर हम उसको प्यार ना करें या अकेला छोड़ दें तो वो काफ़ी down feel करता है, काफ़ी isolated feel करता है। So guys, please ensure कि जब भी आप एक Pomeranian breed को घर में लाएं तो उसको शुरू से ही शांत रहने की ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये ट्रेनिंग शुरू से नहीं दी तो आगे चल के ये डॉग काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है बाकी पेट्स और बाकी अननोन ह्यूमंस के लिए। वैसे तो वाइट Pomeranians काफ़ी कॉमन हैं देखने के लिए, लेकिन इसके अलावा रेड, ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक जैसे कलर्स भी इनमें देखे जाते हैं। जहाँ हीट स्ट्रोक्स आपके Pomeranian के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, वहाँ पर कोल्ड स्ट्रेस भी उनको काफ़ी दिक्कत देते हैं। तो कोल्ड स्ट्रेस से बचने के लिए आप लोग अपने Pomeranian को बाहर ना ले जाकर घर के अंदर ही एक्सरसाइज कराना प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको हीट स्ट्रोक्स के सिम्टम्स देखने हैं तो आप देखिए, अगर आपका डॉग पैंटिंग कर रहा है रेगुलर, या फिर उसके गम्स काफ़ी पेल कलर के हो गए हैं, उसकी टंग काफ़ी ब्राइट रेड कलर की हो गई है, इसका मतलब उसको काफ़ी गर्मी लग रही है और आप इस गर्मी से बचाने के लिए उसको किसी ठंडे एनवायरनमेंट में ले जा सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम हाइजीन। तो एज यू ऑल नो दैट पॉम इज़ अ हाई शेडिंग ब्रीड, तो इसके बाल काफ़ी झड़ते हैं। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम, यू कैन ब्रश योर पॉम डेली एंड ऑल्सो गिव हिम बाथ, नॉट डेली बट ओकेजनली, विद अ माइल्ड शैम्पू विच कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम अप टू सम एक्सटेंट। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेडिंग डॉग्स होते हैं तो इनसे एलर्जी के काफ़ी चांसेस भी रहते हैं लोगों को। तो अगर आप लोग काफ़ी हाइपर एलर्जिक हैं, आप अवॉइड कीजिए कि आप एक Pomeranian को घर में लाएं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम हेल्थ इश्यूज ऑफ दिस ब्रीड। द फर्स्ट वन इज कफिंग। तो कफिंग भी दो टाइप की होती है, एक हो गई नॉर्मल कफिंग जो कि साइन हो सकती है ऑफ अ कैनाइन इन्फ्लुएंजा, और दूसरी टाइप की कफिंग ऐसी है कि अगर वो रुक नहीं रही है और अगर उसमें गूज हॉन्किंग की आवाज़ आ रही है, जैसे कि ये आवाज़, तो इट कैन बी अ केस ऑफ द कोलैप्स ट्राकिया। सो यू मस्ट विजिट अ वेटरनेरियन इन दैट केस। सो द नेक्स्ट वन इज़ डायबिटीज़। टू प्रिवेंट डायबिटीज़, डू नॉट ओवर फीड योर डॉग, क्योंकि ओवर फीडिंग से ओबेसिटी होगी और ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप ज़्यादा खाना ना दे डॉग्स को। द नेक्स्ट वन इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म भी काफ़ी देखा गया है पॉम्स में, और एक स्किन डिजीज़ भी काफ़ी कॉमन है पॉम्स के अंदर जिसका नाम है ब्लैक स्किन डिजीज़। इसमें क्या होता है कि कुछ एरिया से डॉग की स्किन से कुछ बाल चले जाते हैं और वहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो जो बाल जाते हैं उस कंडीशन को तो हम एलोपेसिया बोलते हैं, और हाइपर पिगमेंटेशन होने की वजह से उस पूरी कंप्लीट मेडिकल कंडीशन को ब्लैक स्किन डिजीज़ भी बोला जाता है। अगर आप देखते हैं कि आपके डॉग को डायरिया है तो उसको स्पॉइल फूड और गार्बेज से दूर रख के उसको बचाया जा सकता है। और आई कंडीशन जैसे कि कैटरेक्ट और कंजक्टिवाइटिस भी काफ़ी देखा जाता है, तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो अपने वेट को ज़रूर विजिट करें। अगर आप अपने पॉम्स का अच्छे से ख्याल रखेंगे और हेल्दी रखेंगे तो दे कैन अकम्पनी यू टिल 12 to 16 ईयर्स। सो डिस्कस करते हैं अब कुछ ऐसे डाइटरी इंक्लूजन्स जो कि लासा और पॉम दोनों की ही डाइट को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे, काफ़ी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो पहला है ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो कि उनकी स्किन को और उनके कोट को काफ़ी अच्छा बनाता है। एक विटामिन ए और लाइनोलेइक एसिड भी है जो कि काफ़ी हेल्दी रखेगा उनकी स्किन और कोट को। इसके अलावा आप लोग पॉम और
लासा की डाइट में एल कार्निटीन इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलोरीज को फैट में बदलने नहीं देता, जो कि काफ़ी अच्छा है। और दूसरा, आप कॉन्ड्राइटिन भी इंक्लूड कर सकते हैं उसकी डाइट में, जिसकी वजह से जॉइंट्स काफ़ी हेल्दी भी रहेंगे। तो जैसे पोमरेनियन का नाम पोमरेनिया से रखा गया, जो कि एक जगह है, वैसे ही हमारी नेक्स्ट ब्रीड लासा आप्सो का नाम लासा से रखा गया, जो कि एक कैपिटल सिटी है तिब्बत की। तो सबसे पहले इस डॉग ब्रीड को बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बनाया था फॉर गार्ड पर्पस, लेकिन अब ये एज लैब डॉग्स काफ़ी फेमस ब्रीड है। काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट से आए हैं ये डॉग्स, तो इसलिए इनके पास एक डबल कोट होता है। एक होता है अंडर कोट, जो कि उनको काफ़ी गर्मी देता है, और एक होता है आउटर कोट, जो कि प्रोटेक्शन पर्पस के लिए है। सो वाइड वेराइटी ऑफ कोट कलर्स आर सीन इन लासा आप्सो, दैट इज ब्लैक, वाइट, रेड, गोल्ड विद वेरियस शेडिंग्स, एंड कैन बी विद और विदाउट डार्क टिप्स एट द एंड्स ऑफ देयर ईयर्स एंड बियर्ड। तो पॉम में आप लोगों ने देखा कि उसमें शेडिंग काफ़ी ज़्यादा थी, और इसको देखकर भी ऐसा लगता है कि इसके लॉन्ग हेयर्स हैं, तो हो सकता है कि शेडिंग ज़्यादा हो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बाकी ब्रीड्स की तरह शेडिंग नहीं करता, हालांकि ये ह्यूमंस की तरह स्लो और कंटिन्यूस शेडिंग करता है, ताकि ये अपने आप की हाइजीन मेंटेन कर सके और टैंगलिंग एंड मैटिंग कम से कम हो सके। इस वजह से जो लोग हाइपर एलर्जिक हैं, वो इनके साथ आराम से को एग्जिस्ट कर सकते हैं, अनलाइक पोमरेनियंस। और लगभग 70% इम्यून सिस्टम इनका जीआईटी में ही होता है, तो इनको प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स देने से ये काफ़ी हेल्दी रहते हैं। Now let's discuss some common health problems with Lhasa. The first one is sebaceous adenitis. This one is a hereditary problem with these breeds. The next one is progressive retinal atrophy. This can lead your dog towards blindness. The next one is eye disease, that is the cherry eye, or you can take other eye disease, that is the keratoconjunctivitis, that can also be called as the dry eye syndrome in these breeds. So under natural conditions without any disorder, its average lifespan is from 12 to 14 years. तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको लासा आप्सो और शिट्ज़ू के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, तो हेयर वी गो विद द डिफरेंस अमंग द टू। तो डिफरेंस जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि शिट्ज़ू ब्रीड कैसी है। तो शिट्ज़ू ब्रीड जो है वो एक क्रॉस है लासा और पेकिंगीज ब्रीड का। इसको हम कॉमनली लिटिल लाइन डॉग भी बोलते हैं, जो कि स्मॉलर होता है लासा से, और इसका लाइफ स्पैन होता है 10 to 16 years। सो हेयर वी गो विद द डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस आइज का है, तो आइज अगर आलमंड शेप्ड हो तो वो शिट्ज़ू है, और अगर राउंड और बिग आइज हो तो वो लासा है। अगर स्कल ब्रॉड है तो वो शिट्ज़ू है, और अगर फ्लैट है तो वो लासा है। इफ आई टॉक अबाउट नोज, तो शिट्ज़ू की नोज काफ़ी स्मॉल होती है और लासा की नोज उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। अगर मैं पॉज की बात करूँ, तो शिट्ज़ू में पैडेड पॉज होते हैं, हालांकि लासा के जो पॉज होते हैं वो कैट जैसे होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट टेम्परामेंट, तो जो शिट्ज़ू है उसका कूल, काम, फ्रेंडली टेम्परामेंट है, लेकिन दूसरी साइड जो लासा है उसका प्रोटेक्टिव और गार्ड डॉग जैसा टेम्परामेंट है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपको अपने पेट्स को नहीं देने होते, और कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके पेट्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो जिनको ये जानना है कि कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं, या कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं, वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर सकते हैं। So friends, this was all about these breeds. I hope you enjoyed this discussion so much. And if you like it, please do share and subscribe. And stay tuned for the upcoming videos. Thanks for watching. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.